वेब इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है लीड एड कैसे चलाएंगे गूगल एड के थ्रू। तो आइए, हमारा डैशबोर्ड है, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद लीड पे क्लिक करेंगे। लीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्जन गोल आपको सेट करना है, फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे आप क्या एक्टिविटी चाहते हो, मतलब गूगल पे कोई भी कुछ भी कीवर्ड पुट करे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो गूगल सर्च में आप क्या एक्टिविटी चाहते हो, वेबसाइट विजिट चाहते हो, फोन कॉल चाहते हो, स्टोर विजिट चाहते हो, ऐप डाउनलोड चाहते हो, लीड फॉर्म सबमिशन। क्योंकि हम ये लीड एड फॉर्म चला रहे हैं तो हम लीड पे क्लिक करेंगे। लीड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम इसको नेम दे देते हैं, कैंपेन नेम है लीड सर्च। फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट नाउ करेंगे। स्टार्ट नाउ में बिडिंग आ गया। बिडिंग में आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस आ रहे हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक, इंप्रेशन शेयर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें लीड चाहिए। मतलब हम गूगल को पैसे जब ही दें जब हमारे पास लीड आए, उस लीड का ही हमें वैल्यू मिले कुछ, उस लीड से मतलब उस लीड से बिजनेस मिले, तो हम ये करेंगे। फ्रेश कैंपेन है इसलिए टारगेट सेट नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको 7 डेज ये कैंपेन चलाना पड़ेगा, उसके बाद इसी कैंपेन के अंदर आप टारगेट सेट कर सकते हो जब आपको कैंपेन की रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। फिर ये फ्रेश कैंपेन है, बिड न्यू कस्टमर्स ओनली, ये जब के लिए जब आपका कैंपेन चल रहा होगा। तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। क्योंकि हम ये सर्च कैंपेन चला रहे हैं तो हम डिस्प्ले को हटा देते हैं। फिर यहाँ पे एंटर लोकेशन में हम अपना लोकेशन पुट कर देते हैं। लोकेशन पुट कर दिया। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्रॉड मैच कीवर्ड। ब्रॉड मैच कीवर्ड में हमने ऑन कर दिया है। फिर यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंटेशन आ गया। ऑडियंस सेगमेंट्स में आपको किस किस सेगमेंट में आपको टारगेटिंग करनी है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास सेलेक्ट है, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, बिजनेस सर्विस, वेबसाइट डिजाइन। तो हम ये सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद ये हमारे पास सारे सेलेक्ट हो जाएंगे ऑडियंस सेगमेंटेशन में। फिर हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे पुट कर दिया। ऑब्जर्वेशन में हमने ब्रॉड मैच कीवर्ड को ऑन कर दिया। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल URL पुट करना है। फाइनल URL हमने पुट कर दिया। अभी ऑटोमेटिकली हमारे डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स फेच कर लेगा। ये अभी देखो दोस्तों, ये फेच कर लिया इसने। तो ये डिस्क्रिप्शन हमारा, जो भी हमारी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन जो इसने फेच कर लिया है। अब इसको हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा और कीवर्ड्स और हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन सब पिकअप कर लेगा। जैसे कि दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, ये कीवर्ड्स ऐड कर लिए हैं। कीवर्ड्स ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐड बनाना है। ऐड पे कॉल आउट एक्सटेंशन है, कॉल आउट पे हम क्लिक करेंगे, जो हमारा नंबर पुट होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ये क्लिक कर दिया, अप्लाई पे क्लिक कर दिया, ये हमारा कॉल ऐड हो गया। फिर हमारे पास हेडलाइंस आ गई, हेडलाइंस पे आपको क्लिक करना है। फिर हमें सेकंड हेडलाइन लिखनी है, ये हमें हेडलाइंस ऐड करनी है। आप जितनी ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन ऐड करेंगे, आपकी जो ऐड स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होती जाएगी। ये देखो दोस्तों, आप ऐड स्ट्रेंथ देख रहे होंगे, यहाँ पे ये हमारी हेडलाइन हो गई। अब आप हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई है, डिस्क्रिप्शन इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारा एड स्ट्रेंथ अच्छा होता जा रहा है। अब हमें यहाँ पे एटलीस्ट 10 इमेजेस ऐड करनी है। एसेट लाइब्रेरी में क्लिक किया। अब हमारे पास जो अवेलेबल इमेजेस हैं, हम उनको ऐड कर लेंगे। ये एक स्क्वायर इमेज को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, ये हमने ऐड कर दी, ये सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद अब हमें यहाँ पे बिजनेस के नेम पुट करना है, जो भी आपका बिजनेस का नाम है, डिजी वेब इंजीनियर्स, ये हमने पुट कर दिया। लोगो ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है, साइट लिंक्स ऑलरेडी फेच कर लिया है इसने। कॉल आउट एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ये 4 कॉल आउट एक्सटेंशन है हमारे, गेट 20% ऑफ, और ये सारे अप्लाई कर सकते हो कॉल आउट एक्सटेंशन को। फिर यहाँ से हमने डन कर दिया, ये हमारा एक ऐड बन गया है, ये हमारा एक ऐड बन गया है। इसी तरीके से आप 4-5 ऐड और बना सकते हो। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये प्रीव्यू का ऑप्शन देगा। प्रीव्यू का ऑप्शन देने के बाद आप बजट आएगा, बजट पे आपने जैसे 844 रुपीज डेली बजट रखा, तो वीकली कन्वर्जन 132 लीड्स आएंगी आपके पास। 5,000 रुपए डेली खर्च होंगे, 5,000 मतलब इन 132 लीड्स की जो कॉस्ट होगी वो वैल्यू है 5,000 रुपीज, और एवरेज कन्वर्जन 89% आ रहा है। वीकली जो कॉस्ट आ रही है 5,911 आ रही है, तो ये काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। फिर इसको जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये कैंपेन रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद ये गूगल की एल्गोरिदम के और पॉलिसी के हिसाब से चेक होगा। चेक होने के बाद ये आपका एड जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ये बेसिकली हमने लीड्स कलेक्ट करने के लिए सर्च एड बनाया था, ताकि कोई भी गूगल पे अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है तो हमारा नाम डिजी वेब इंजीनियर सबसे पहले ऊपर आएगा। तो दोस्तों, ये सिंपल ये इजी स्टेप्स हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मैक्स टू मैक्स शेयर करें।